इधर सब सेट हो गया है ना काम वाम के लिए। खुश हो ना, इधर काम कोई कर लिया टेंशन ही ना। अच्छे से। ईद के बाद वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? दोस्तों आई होप आप सब बढ़िया हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स वो भाई साहब को जिन्हें बेकरी में जॉब लग गई, जिनका मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो भी डाला था। एंड गाइस, आप लोग में से बहुत जनों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, हमें भी बेकरी में जॉब करनी है, वेटर के लिए जॉब करनी है। तो ऐसे करके नहीं होने वाला है गाइज, आप लोग को मैंने ईमेल आईडी दी थी, आप लोग उस पर अपनी सीवीज भेज दो, या तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर सीवीज भेजो। क्योंकि बहुत जन ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि अभी हम 2 महीने बाद अप्लाई करेंगे, कैंसिल कराने वाले, तो हमारे लिए जॉब रेडी रखना, ये जॉब की वैकेंसी हमारे लिए अवेलेबल रखना। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, जो भी है अभी एट प्रेजेंट ये रिक्वायरमेंट है। और इंडिया पाकिस्तान से जो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उन्हें अर्जेंटली बंदे यहाँ पे चाहिए। तो जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तब मुझे कांटेक्ट करो। और इसके अलावा मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि बेकरी का और वेटर का लोकेशन और इंटरव्यू कब होने वाला है। तो जो भी भाई लोग विजिट वीज़ा पे है, कैंसल्ड वीज़ा पे, वो लोग आ जाए, मुझे इंस्टा करके ये नहीं मैसेज करें कि अभी हम लोग अबू धाबी में है, हम लोग 4 दिन बाद अवेलेबल है, या हम लोग अलेन में है, अभी हमारा 1 महीने बाद कैंसिल होने वाला है। तो अगर आपकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो गाइस मत आओ बेटर, क्योंकि ये इमीडिएट ज्वाइनिंग है, आप लोग का सिलेक्शन होएगा, आप ज्वाइन हो जाओगे। ओके, चार्जेस का लोग मुझे पूछ रहे कि क्या चार्जेस है आप लोग के इसके अंदर जॉब पे लगाने के। ओके, जो भी चार्जेस रहेगा गाइस, ये उन बंदों के लिए जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है? तो हम ये ज़्यादातर इसमें चार्जेस नहीं ले रहे। हाँ, जो भी 500-600 दिरहम चार्जेस होता है वो आपकी सैलरी में से एडजस्ट होगा फर्स्ट मंथ की, आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, तो वो आपकी सैलरी में से होगा। तो ये मत सोचो कुछ चार्जेस है। ऑफकोर्स इंडिया पाकिस्तान नेपाल से बंदे आते हैं तो हमारा सर्विस चार्ज होता है, हम वीज़ा टिकट सब कुछ करा के चार्जेस लेते हैं। बट ये यहाँ पे जो बंदे फंसे थे लॉकडाउन के टाइम पे, हम सिर्फ उनके लिए मैं टिकटॉक पे ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि वो लोग की सैलरी में से एडजस्ट भी हो जाए और उनका जॉब भी लग जाए। ओके, आज कुछ 4-5 वैकेंसीज है, तो अभी हम घर में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे हंटर को राउंड पे भी लेके जाना है, गार्डन में जाना है, तो मैं आप लोग को वहाँ शांति से कहीं बैठता हूँ और सारी वैकेंसीज बताता हूँ। पेन पेपर लेके बैठो और चलो शुरू करते हैं। ये छोटा सा गार्डन है घर के पास में ही, और मैं मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बल्दिया वल्दिया वाले बहुत घूम रहे और 3,000 दिरहम का फाइन है। वेल दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत बेकरी से करते हैं। बेकरी का नाम है बेक क्राफ्ट, ओके, जो अलकुस एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया 2 में। ओके, आप लोग को वहाँ पे जाना है फॉर द इंटरव्यू। संडे से लेके थर्सडे तक वहाँ पे इंटरव्यू है, 1 बजे से 4 बजे तक के बीच आप लोग को वहाँ पहुँचना है। वहाँ पे आपको मिलना है मिस्टर आशीष से, ओके, ही इज़ द एचआर मैनेजर। और आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल का SJ व्लॉग दुबई रेफरेंस लीजिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंशाल्लाह अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको पता चल जाएगा। इस हिसाब से प्रोसीजर है, ये नहीं आप लोग घड़ी घड़ी कॉल करके उनको डिस्टर्ब करो, ये सब नहीं करो। अगर आप अलेन, अबू धाबी, जहाँ पे भी वहाँ से अगर आ सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, तो ही आप वहाँ पर जाइए। और लोकेशन आप बेक क्राफ्ट गूगल पर डालिए, आपको लोकेशन मिल जाएगी और आप इंटरव्यू दीजिए वहाँ पर जाके। वेल, दूसरी जो वैकेंसी है वो है वेटर के लिए अल शराफा रेस्टोरेंट, जो दुबई सिलिकॉन ओएसिस में है, और इन्होंने अभी एक ब्रांच बर दुबई में भी खोला है। तो इन्हें कुछ वेटर्स, किचन हेल्पर, क्लीनर की अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने लास्ट वाले टिकटॉक वीडियोस पे भी डाला था, कुछ लड़के वहाँ गए भी थे फॉर द इंटरव्यूज़, अभी भी उनको थोड़ी बहुत और रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे आपको दुबई सिलिकॉन ओएसिस में आना है, आप गूगल कर लीजिए शराफा रेस्टोरेंट, ओके, वहाँ पे आपको मिलना है हुसैन भाई से, ओके, रेफरेंस आप सूरज मेरा नाम ले लीजिए, या तो SJ व्लॉग दुबई चैनल के थ्रू आया हूँ, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एंड 1,000 से 1,200 के बीच वो लोग सैलरी कमिटमेंट दे रहे, प्लस खाना रहने का कमिटमेंट वहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। वेल गाइज, उसके अलावा एक है नेशनल रेस्टोरेंट जो है फुजेरा में, इनको आप पहले कॉन्टैक्ट कीजिए फिर जाइए, वो बेटर रहेगा। नंबर है 09222753, ओके, यहाँ पे वेटर्स और किचन हेल्पर क्लीनर की ज़रूरत है, तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए, ओके।
और उसके अलावा एक और रेस्टोरेंट का है, ये है डाइन गार्डन रेस्टोरेंट। इन्हें भी वेटर्स एंड किचन हेल्पर की ज़रूरत है, तो आप इनको भी कॉन्टैक्ट करके ही जाइए। जहाँ पे डायरेक्टली वॉकिंग है मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा, लेकिन जहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जाना है वहाँ पे आप फ़ोन करके ही जाना। इनका नंबर है 04283007। ओके, बाकी गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे डेली 8 से 10 जॉब अपलोड्स करता हूँ, ठीक है। मेरा आईडी है yoursjvlog इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ जाके फॉलो कीजिए तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस तो वीकली वंस आती है, बट वहाँ पे तो मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल हेल्पर्स की भी वैकेंसी है, 2-3 मैं आप लोगों को वो भी बता दूँ। एक है वर्दा अल मदीना बिल्डिंग क्लीनिंग सर्विसेज, जहाँ पे क्लीनर और हेल्पर की ज़रूरत है। नंबर है 0586517909। यहाँ पे भी आप कॉल करके ही जाना दोस्तों। एक और ले लीजिए, अल मुनासबात इवेंट एंड वेडिंग, यहाँ पे हेल्पर्स की ज़रूरत है। यस, नंबर डायरेक्टली दिया गया है, मोबाइल नंबर है 0503617883। ओके गाइस, तो ये कुछ 5-6 जॉब्स थे, बाकी तो मैं डेली जॉब्स इंस्टा पे अपलोड करता रहता हूँ गाइस, तो आप लोग वहाँ फॉलो करो, यूट्यूब पे भी फॉलो करो चैनल को। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लोग को कुछ तो काम इसमें आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और पता नहीं ये डॉगी कहाँ पे चला गया। और गाइस नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि मैं हर 2-3 दिन में वीडियोस बनाता हूं, तो आप लोग को अपडेट्स दुबई लाइफस्टाइल, दुबई जॉब्स एंड दुबई में क्या क्या हो रहा है लेटेस्ट न्यूज़, जैसे कि अभी फ़्लाइट्स की अपडेट्स है। तो गाइस फ़्लाइट्स का ये अपडेट है इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लास्ट ये सुना था कि फ़्लाइट चालू हो गई है विजिट वीज़ा पे, बट 14 डेज कोई अदर कंट्री से आपको क्वारंटाइन करके यहाँ आना पड़ेगा। बट अभी ज़्यादातर हम यहाँ ट्रैवल एजेंसीज के साथ काम करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से खबर मिली कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ऑलमोस्ट फ्लाइट चालू हो जाएगी। तो अगर आप दुबई आना चाहते हो जॉब वॉब करने के लिए, तो गाइस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक रुक जाओ। हाँ, तब तक अपना प्रिपरेशन करके रखो, वैक्सीनेशन और ये सब लेके रखो। और इसके अलावा जिस भी आप एजेंट से अप्लाई कर रहे हो, ज़्यादातर आप ट्राई करो डायरेक्टली दुबई से आप अप्लाई, वीज़ा फ़्लाइट्स वाइट्स का आप ऑनलाइन कर सकते हो अप्लाई, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियोस बना दूंगा गाइस। और बस फिर आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं जल्दी मिलूँगा आपको किसी दूसरे व्लॉग में। आपका अपना SJ साइनिंग ऑफ, टेक केयर यल्ला। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और हम जल्दी मिलेंगे। टेक केयर यल्ला, बाय बाय।